हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रियम शर्मा, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द 8th वीडियो ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, द सेकंड लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। फ्रेंड्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव सॉल्व्ड सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम नंबर 4। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सम नंबर 4, आउट ऑफ टोटल 1850 वुमेन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, 549 वेर रिसाइडिंग इन लेबर एरिया। आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमेन ऑफ लेबर एरिया, 250 हैड एक्सपीरियंस एंड 93 वेयर इनएक्सपीरियंस्ड। द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड वुमन फ्रॉम अदर एरिया वेयर 87 एंड 400 रिस्पेक्टिवली। द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड वुमन वॉज 1336 एंड आउट ऑफ देम 136 वेयर फ्रॉम लेबर एरिया। आउट ऑफ टोटल वुमन 1020 वेयर अनमैरिड। Among them, the number of experienced women from labor area and from other area were 163 and 14 respectively. Present these data in tabular form. So friends, इस सब में हमें तीन अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, जैसे experienced, inexperienced, married, unmarried and residing from labor area and other area. तो इन तीनों एट्रीब्यूट्स को एक साथ मिलाकर जो हमारा टेबल तैयार होगा वो इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तीनों एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया है। यहाँ मेन हेडिंग में एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड और उसका टोटल, फिर एक्सपीरियंस के अंदर एम फॉर मैरिड एंड यू एम फॉर अनमैरिड टोटल, सेम ऐसे ही इनएक्सपीरियंस्ड में मैरिड और अनमैरिड टोटल, और एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस के टोटल के अंदर मैरिड और अनमैरिड, यानी कि ये टोटल मैरिड होंगे जिसमें एक्सपीरियंस मैरिड और इनएक्सपीरियंस मैरिड का सम होगा यहाँ पर, और एक्सपीरियंस्ड अनमैरिड और इनएक्सपीरियंस अनमैरिड का सम यहाँ पर होगा, और टोटल एक्सपीरियंस्ड और टोटल इनएक्सपीरियंस का टोटल यहाँ होगा। और जो थर्ड एट्रीब्यूट है वो है लेबर एरिया और अदर एरिया, यानी कि यहाँ पर जो वुमेन हैं वो लेबर एरिया से आती हैं या अदर एरिया से आती हैं, उसका एक अलग एट्रीब्यूट हमने बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सम स्टार्ट करते हैं। सो अवर फर्स्ट लाइन सेज, आउट ऑफ टोटल 1850 वुमेन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, 549 वेर रिसाइडिंग इन लेबर एरिया, यानी कि टोटल 1850 वुमेन हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1850, फिर टोटल 1850 वुमेन में से 549 वुमेन वो लेबर एरिया में रहती हैं। तो फ्रेंड्स, इन 1850 में से टोटल लेबर एरिया में रहने वाली, आप देख सकते हैं ये लेबर एरिया है और उसमें टोटल वो हम यहाँ पर लिखेंगे 549। तो फ्रेंड्स, 1850 में से जब आप 549 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 1301 वो अदर एरिया का टोटल आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन ऑफ लेबर एरिया, 250 हैड एक्सपीरियंस्ड एंड 93 वेयर इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि लेबर एरिया में रहने वाली मैरिड वुमन में 250 को एक्सपीरियंस है और 93 वुमन वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है लेबर एरिया की। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लेबर एरिया है और इस लेबर एरिया में जो मैरिड वुमन है, तो मैरिड का कॉलम आपको एक तो यहाँ दिखेगा और एक यहाँ दिखेगा। तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेबर एरिया में रहने वाली मैरिड वुमन में 250 वुमन को एक्सपीरियंस है, मीन्स एक्सपीरियंस हो और मैरिड वुमन हो फ्रॉम लेबर एरिया, ऐसी 250 वुमन है।
एंड इनएक्सपीरियंस्ड यानी कि जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है वो 93 हैं। तो इनएक्सपीरियंस हो और मैरिड हो ऐसी 93 वुमेन होंगी। अब फ्रेंड्स अगेन हम हमारे कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस्ड मैरिड वुमेन और इनएक्सपीरियंस्ड मैरिड वुमेन। तो जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें टोटल मैरिड वुमेन मिल जाएंगी और 250 प्लस 93 वो 343 होगा। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स हम कॉमन सेंस से अनमैरिड का टोटल भी निकाल लेंगे क्योंकि मैरिड प्लस अनमैरिड का टोटल 549 है। तो 549 में से जब हम 343 माइनस करेंगे तो 206 वो हमें अनमैरिड का टोटल मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन, द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड वुमेन फ्रॉम अदर एरिया वेयर 87 एंड 400 रिस्पेक्टिवली। मीन्स अदर एरिया के लिए ये जो नंबर अभी हमने लेबर एरिया के लिए लिखा था ऐसा ही नंबर 87 और 400 था। यानी एक्सपीरियंस्ड वुमेन इन अदर एरिया आर 87 एंड इनएक्सपीरियंस्ड वुमेन इन अदर एरिया आर 400। तो अब हम अदर एरिया की बात करेंगे। अदर एरिया में जो एक्सपीरियंस्ड वुमेन है वो 87 है और जो इनएक्सपीरियंस्ड वुमेन है वो 400 है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से हम हमारा कॉमन सेंस लगाएंगे, 250 प्लस 87 जब हम करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस्ड मैरिड वुमेन मिल जाएंगी जिनका टोटल होगा 337 एंड सेम 400 प्लस 93 करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल मिल जाएगा 493। अब फ्रेंड्स हम 337 प्लस 493 का टोटल करेंगे तो हमें टोटल मैरिड वुमेन का टोटल मिल जाएगा। आप जानते हैं कि एक्सपीरियंस्ड मैरिड प्लस इनएक्सपीरियंस्ड मैरिड इज इक्वल टू टोटल मैरिड। सो 337 प्लस 493 विल बी 830। अभी 1850 में से जब हम 830 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1020। 830 में से जब हम 343 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 487। इसके बाद 1020 में से 206 जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 814। आप राइट हैं या रॉन्ग है वो चेक करने के लिए आप इन दोनों का टोटल करके देखिए, आपको 1301 मिल जाएगा और हमें मिल जाता है यानी कि हम राइट हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस टाइप के सम्स में ज़्यादातर डिटेल तो हम माइनस करके ही फाइंड कर लेते हैं। अभी जब हम सम पढ़ेंगे तो बहुत सी डिटेल्स आपको ऐसी मिलेंगी जो आप सम पढ़कर लिख सकते थे लेकिन सम पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हमने कॉमन सेंस से टोटल में से कोई भी एट्रीब्यूट माइनस किया तो दूसरा एट्रीब्यूट हमें ऑटोमेटिकली मिल गया। तो इस तरीके से हम सम पूरा कर सकते हैं। अभी हमारे पास और कोई ऐसी डिटेल नहीं है जिसे हम सम पढ़े बिना इस टेबल को पूरी कर सकें। तो चलिए आगे सम का स्टडी करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड वुमेन वॉज 1336 एंड आउट ऑफ देम 136 वेयर फ्रॉम लेबर एरिया। यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड की जो टोटल वुमेन थी फ्रेंड्स वो थी 1336। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनएक्सपीरियंस है और उसकी टोटल वुमेन की बात यहाँ पर हो रही है। उसे हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये इनएक्सपीरियंस टोटल है लेकिन वो लेबर एरिया का है। यहाँ भी नहीं लिख सकते, वो अदर एरिया का है। हमें किसी एरिया के बारे में कोई बात हमें यहाँ पर नहीं बताई गई, हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि द नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड वुमेन वॉज 1336। यानी कि इनएक्सपीरियंस की जो टोटल वुमेन है वो 1336 है एंड आउट ऑफ देम 136 वेयर फ्रॉम लेबर एरिया। तो अब हम इन 1336 में से 136 इस लेबर एरिया में रख देंगे फ्रेंड्स। और अब 1336 में से जब हम 136 माइनस करेंगे तो फिर हमें
1200 मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स ये पूरी टेबल हम तैयार कर सकते हैं, आगे सम में एक लाइन पढ़ने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैरिड प्लस अनमैरिड इज इक्वल टू ये टोटल है, तो आप 136 में 93 माइनस कर दीजिए, आपको 43 मिल जाएंगे। इसके बाद 1200 में से आप 400 माइनस कर दीजिए, आपको 800 मिल जाएंगे। फिर 1336 में से आप 493 माइनस कर दीजिए, आपको 843 मिल जाएंगे। और टैली करने के लिए आप इन दोनों का टोटल करके देख लीजिए, तो भी आपको एज इट इज़ 843 मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे दो बॉक्सेस इन एक्सपीरियंस का पूरा बॉक्स और टोटल का पूरा बॉक्स रेडी है। अब एक्सपीरियंस का बॉक्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि टोटल अनमैरिड वुमेन 206 हैं, उसमें से इन एक्सपीरियंस मैरिड वुमेन 43 हैं, यानी आप 206 में से 43 माइनस कर देंगे तो आपको एक्सपीरियंस्ड अनमैरिड वो मिल जाएंगी, तो वो आएंगे 163। अगेन 206 माइनस 43 विल बी 163। अब आप 250 प्लस 163 का टोटल करिए तो आपको 413 मिलेगा। और टैली करने के लिए आप 549 में से 136 माइनस करिए, तो भी आपको 413 मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, टोटल अनमैरिड वुमन हमारे पास 814 है और इन एक्सपीरियंस्ड अनमैरिड वुमन वो 800 है, यानी इस 814 में से जब आप 800 माइनस कर देंगे तो आपको 14 वो एक्सपीरियंस्ड अनमैरिड वुमन मिल जाएंगी। और 87 प्लस 14 करेंगे तो आपको 101 वो टोटल मिल जाएगा। और टोटल के लिए भी आप 1301 में से 1200 माइनस करेंगे तो भी आपको 101 मिल जाने वाला है। यानी हर तरीके से हमारे टोटल टैली होते जा रहे हैं, तो हमारा सम राइट है ऐसा हम बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स 163 प्लस 14 जब आप करेंगे तो आपको 177 मिलेगा। इसको आप 1020 जो कि टोटल अनमैरिड वुमेन है उसमें से आप इन एक्सपीरियंस अनमैरिड वुमेन 843 माइनस करेंगे तो भी आपको 177 मिलेगा। और 163 में 14 ऐड करने पर भी हमें 177 मिला है। अब 337 प्लस 177 जब आप करेंगे तो आपको 514 मिलेगा। ये आप इस दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, आप 413 और 101 को ऐड करेंगे तो भी आपको 514 मिलेगा। और इसके अलावा जब आप 1850 में से 1336 माइनस करेंगे तो भी आपको 514 मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी टेबल रेडी है और हमारा सम भी ख़त्म हो चुका है। अब अगर सम को और आगे पढ़ा भी जाए तो भी चलिए पढ़कर देख लेते हैं। आउट ऑफ टोटल वुमन 1020 वेयर अनमैरिड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि टोटल वुमन 1850 हैं, उसमें से 1020 वो अनमैरिड है, वो देखिए आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमने ये नंबर यहाँ पर लिख दिया है। आगे पढ़ते हैं, अमंग देम द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड वुमन फ्रॉम लेबर एरिया एंड फ्रॉम अदर एरिया वेयर 163 एंड 14। यानी ये जो 1020 टोटल अनमैरिड वुमन हैं उनमें से एक्सपीरियंस्ड अनमैरिड वुमन फ्रॉम लेबर एरिया वो 163 हैं और फ्रॉम अदर एरिया 14 हैं। तो आप देख सकते हैं ये नंबर भी हम लिख चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो बुक में दिया गया है वो सम भी ख़त्म हो जाता है और वो पूरा सम पढ़ने से पहले हमारी टेबल भी रेडी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स एंड मेथड्स ऑफ द सम। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। फ्रेंड्स इफ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. So friends, bahut jald mulaqat hogi aapse next video mein. Tab tak ke liye padhai kare, surakshit rahe. Goodbye.